अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस एन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में हम टेबल टैग को एचटीएमएल में स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम अपना कोड ओपन कर लेंगे और इसे ब्राउजर में भी ओपन कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था वीडियो टैग को, ऑडियो टैग को, एसवीजी टैग को और आई फ्रेम टैग को। इस वीडियो में अब हम स्टडी करेंगे टेबल टैग को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे और सेटअप क्रिएट करेंगे टेबल टैग के लिए। मैंने टैग के फोल्डर में एक न्यू फोल्डर ऐड किया है एचटीएमएल टेबल और वहां पर ये एक छोटा सा चैलेंज ऐड किया है। यहां पर आप स्क्रीन में इसको रीड कर सकते हैं। मैं साइड बार को कोलैप्स कर दूंगा और यहाँ पर आप इसे रीड कर सकते हैं। जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि हमने एक न्यू फाइल बनानी है रूट में, यहाँ पर जहाँ पे index.html क्रिएट है इसी के साथ एक फाइल बनानी है table.html। उसमें हम डिफ़ॉल्ट html ऐड करेंगे जो हम html:5 लगाकर ऑटो कंप्लीट की मदद से हासिल करते हैं और उसमें टाइटल ऐड कर देंगे अंडरस्टैंडिंग टेबल्स। उसके बाद हम एक हेडिंग ऐड करेंगे h1 बॉडी टैग में जिसमें ये कंटेंट आ जाएगा और लास्टली हम उसके बाद एक पैराग्राफ p टैग ऐड करेंगे जिसमें ये कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद index.html में हम एक न्यू लिंक ऐड करेंगे गो टू टेबल टैग पेज और उस लिंक को ट्रैक कर देंगे इस फाइल पर कि जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो इस फाइल पे शिफ्ट करेगा, इस पेज को ओपन कर देगा table.html वाले पेज को। और table.html वाले पेज में हम नेविगेशन लिंक ऐड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक ही लिंक ऐड करेंगे जिसका टेक्स्ट होगा गो बैक टू होम पेज और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें index.html पे वापस लेके जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट चैलेंज है। वीडियो को पॉज करें और प्लीज इसे कंप्लीट करें। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा। अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा table.html और यहाँ पर html इंसर्ट कर लूँगा। हेडिंग हम चेंज कर देंगे अंडरस्टैंडिंग टेबल्स और यहाँ पर हम एक h1 इंसर्ट कर देंगे जिसमें कंटेंट ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक p टैग इंसर्ट करूँगा और उसका जो कंटेंट होगा वो ये टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं एक फुल स्टॉप ऐड कर दूँगा और यहाँ पर भी फुल स्टॉप ऐड कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हम एक कमेंट भी इंसर्ट करेंगे जहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट हेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, अब हमने नेविगेशन लिंक्स में ऐड करना है इस पेज का लिंक। मैं इस पेज में वापस आऊँगा और यहाँ पर एक और नेविगेशन लिंक ऐड कर दूंगा जो कि हेडर सेक्शन में अवेलेबल है नेविगेशन लिंक्स। वहाँ पर एक और नेविगेशन लिंक ऐड करूंगा। मैं एक नेविगेशन लिंक को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और इसका लिंक चेंज कर दूंगा रिलेटिव पाथ table.html। और यहां पर अगर आपने इसे रीड किया हो तो मैंने मेंशन किया है कि ये सेम टैब में ओपन होना चाहिए, इन द सेम टैब, नो नीड टू ओपन न्यू टैब फॉर दिस, कि इसके लिए न्यू टैब की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ से टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का जो ऑप्शन था उसको ख़त्म कर दिया और इसका जो टैग्स है वो मैंने कहा हुआ है कि रखना है गो टू टैग टेबल टैग पेज। यहाँ पर मैं इसे चेंज कर दूंगा और सेव करूँगा। यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये लिंक ऐड हो गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और हम इस पेज पे शिफ्ट हो गए। यहाँ पर अब मैं नेविगेशन लिंक्स ऐड करूँगा, वो मैं टॉप पे ऐड करूँगा और उसके लिए मैं इस हेडर सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इस पेज में आ जाऊंगा और यहाँ पर इस सेक्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा हेडर सेक्शन को। और इसी के साथ मैं बाकी जो लिंक्स हैं उनको रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा index.html और इसका जो टेक्स्ट हमने ऐड करना है वो है गो बैक टू होम पेज। रिफ्रेश और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये होम पेज पर वापस आ जाएगा। मैं वापस इस पेज पर आ जाऊँगा। एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि हमने सबको एक सेक्शन में रैप करना था, अ सेक्शन विद हेडिंग। तो
मैं ये जो टैक्स है यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करूँगा और इस चीज़ को उस सेक्शन में रैप कर दूंगा। इसी के साथ हमारा कोड ऑर्गेनाइज भी हो गया और स्ट्रक्चर्ड भी हो गया। यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर दूंगा। जो टैग्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो हैं टेबल टैग, टी हेड टैग, टी आर टैग और फिर टी एच टैग। ये टैग्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे टेबल टैग से। एंटर और ये टेबल टैग इंसर्ट हो गया। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक टी हेड टैग इंसर्ट कर दूंगा। बेसिकली टेबल टैग हमारा मेन जो रैपिंग टैग है, मेन ग्रुप टैग जिसके थ्रू एक टेबल डिफाइन होता है, वो टैग है। ये मेनली HTML में कॉलम्स और रोज को स्ट्रक्चर करने के लिए होता है। इसमें जो दो से तीन डायरेक्ट चाइल्ड टैग्स जो रिक्वायर होते हैं वो एक टी हेड टैग है, जिसमें कि हम हेडर इन्फो इंक्लूड करते हैं, जो टेबल के हेडर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल शीट को, गूगल शीट्स इमेज, यहाँ पर मैं किसी एक गूगल शीट की इमेज यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ और यहाँ पे कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर चीज़ है ये हेडर है, ये जो नीचे सारी चीज आ रही है ये बॉडी है और इसमें ये सारी रोज है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे इन्होंने नहीं शो करवाया हुआ, लेकिन हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा व्यू होता है, लिस्ट और टेबल व्यू जिसको हम कहते हैं। जो हेडर इन्फो होती है, जो नाम होते हैं कॉलम्स के, वो टी हेड में जाते हैं। उसके लिए टेबल में एक रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग है टी आर, टी फॉर टेबल, आर फॉर रो। ये टेबल का टैग मेन है, उसके बाद टी फॉर टेबल, हेड मीन हेडर, टेबल का हेडर, इसमें टेबल के हेडर की इंफॉर्मेशन आती है, उसके जितने भी हेडर एलिमेंट्स होते हैं। अगेन टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, ये एक टेबल रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और अब हमने यहाँ पर जो टेबल हेडर सेल के नाम है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक ये टेबल बना रहा हूँ जो कि हमने यूज करना है पोस्ट्स लिस्ट व्यू के लिए, और उसमें हमारे पास इन्फो है ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, क्रिएटेड एट, स्टेटस, कैटेगरी, इज एक्टिव एंड एक्शंस। अगर ये हमारे पास कॉलम्स हैं जो हमने शो करने हैं, तो हमें इन सब कॉलम को जो हेडिंग इनकी डिफाइन करने के लिए, हमें इन सब के लिए टी फॉर टेबल एंड एच फॉर हेडर सेल। ये टेबल हेड, टी हेड हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये बेसिकली एक और ग्रुपिंग टैग है जो कि हेडर इंफॉर्मेशन को ग्रुप करता है, हेडर इन्फो ग्रुप टैग। जो टी आर है वो टेबल रो टैग है, और अब लास्टली जो टी एच हमने स्टडी किया है वो हमारा टेबल हेडर सेल टैग है, जो हमने एक सेल डिफाइन करना है, जो एक कॉलम डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं कॉलम ही लिख देता हूँ, जिसका कि हम टाइटल डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए हम टी एच टैग यूज करते हैं। मैंने पहला जो कॉलम डिफाइन किया उसका नाम आईडी है, मैं यहाँ पर आईडी लिख दूंगा। मैं इसे सेव करूंगा इतने हिस्से को और ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी लिखा आ गया। मैं इसी तरह ये बाकी जो सारे हैं इन सब को एक एक टी एच में, यहाँ पर मैं टी एच इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा, एक टाइटल के लिए, एक डिस्क्रिप्शन के लिए, इमेज, क्रिएटेड एट, स्टेटस, कैटेगरी, इज एक्टिव और एक एक्शन के लिए। इन सब के लिए एक एक टी एच एक ही टी आर में, एक ही टेबल रो में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फिर सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं ये सारे टेबल हेड सेल ऐड कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर इसे सेव करूंगा फाइल को और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे कॉलम्स, सारे सेल की जो हेडर टाइटल है वो ऐड हो चुका है। एक दफा हम इसे रिव्यू कर लेंगे। जो टैग्स हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं उसमें एक है टेबल टैग,
जो कि मेन टेबल टैग है, जिसके थ्रू के हम एक टेबल को डिफाइन करते हैं। उसमें जो सबसे पहला टैग हमने स्टडी किया वो है टी फॉर टेबल हेड टैग, जो कि एक ग्रुपिंग टैग है, जो कि एक रैपिंग टैग है, जो यूज होता है टेबल की जो हेडर इन्फो है उसको ग्रुप करने के लिए। उसके बाद जो एक मोस्ट यूज टैग है टेबल टैग के बाद, टेबल टैग के अंदर, वो टी आर टैग है, जो कि एक रो डिफाइन करने के लिए यूज होता है। टेबल में जो लिस्ट व्यू होती है, टेबल व्यू होती है, उसमें रोज के जरिए हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम और रोज। रोज हॉरिजॉन्टली आती है और कॉलम वर्टिकल आते हैं। रो को डिफाइन करने के लिए हम टी आर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कॉलम को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पर क्योंकि हमने कॉलम के टाइटल को डिफाइन करना था कि इस कॉलम का क्या नाम है, उसके लिए हम टी एच को डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब है टेबल हेडर सेल टाइटल। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम नेक्स्ट टेबल टैग्स को स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम टी बॉडी, अगेन टी आर, और एक न्यू टैग टी डी, और लास्टली टी फुट को स्टडी करेंगे। वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.